भाजपा मंडल नदौन ने अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन सिरेड़ी गांव में आयोजित किया गया, जिसमें सांसद अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा मंडल नादौन ने अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन सरेड़ी गांव में आयोजित किया। इस मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक वर्ष के अंदर अस्पताल सेवा की ओर से 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया गया है। बाबा साहब आजीवन सामाजिक समरसता और पिछड़ों के हक के लिए लड़ते रहे हैं। उनका संघर्ष आज के दौर में भी प्रासंगिक है और उसी से प्रेरणा लेकर संस्था के सहयोग से उनका संघर्ष आज के दौर में भी प्रासंगिक है और उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने गत वर्ष प्रयास संस्था के सहयोग से अस्पताल मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की थी। जब हम बाबा साहेब की 128वीं जयंती मना रहे हैं तो इस अस्पताल सेवा ने अपनी शुरुआत के मात्र 1 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों की सेवा करने का रिकॉर्ड बना दिया है, जो बाबा साहेब को समर्पित है। इस अस्पताल सेवा के अंतर्गत 17 मोबाइल मेडिकल गाड़ियों के जरिए हमीरपुर लोकसभा की सभी विधानसभाओं में लोगों को उनके घर द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। अभी तक लोगों के जांच और इलाज पर खर्च होने वाले 7 करोड़ से ज्यादा रुपए की बचत हुई है। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नितिन कुमार, मंडल अध्यक्ष भवानी सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनजीत ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी व लोग उपस्थित रहे। मेरे भाई और बहनों, वन रैंक वन पेंशन भी किसी ने नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, आपकी टेंशन दूर कर दी, वन रैंक वन पेंशन मंजूर कर दी, 35,000 करोड़ रुपया दिया। कांग्रेस ने तो एक जहाज नहीं खरीदा। जो मजदूरी करते हैं मनरेगा, कांग्रेस के समय 25,000 करोड़ खर्च होता था, मोदी आए तो पिछले साल 55,000 करोड़ खर्च किया और पिछले साल 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया और मनरेगा की ज्यादा दिहाड़ियां भी और सीधा खाते में पैसा और गांव का विकास करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये जो आपको मशीनें मिली पिछले 5 सालों में, सोलर लाइटें मिली, ये मोदी सरकार की देन है और इसकी शुरुआत प्रेम कुमार धूमल जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय की थी कि फंड काट कर अपने पास रखते थे और उसके बाद आपको उस सारा पैसा मिलता था। आपसे नहीं काटते थे, फैक्ट्री से काटते थे, लेबर मंत्रालय काटते, लेकिन गांव में काम करने वाली महिलाओं को, चाहे सोलर लाइट हो, चूल्हा हो, वॉशिंग मशीन हो, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है मेरे भाई और बहनों। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।